95 की बात है, बॉम्बे मुंबई हो गया था। मेरे को लाए थे टुकड़ों में कई शहरों से, फिर एक जगह लाके जोड़ तोड़ के बनाए। वैसे तो हमारे कई नाम हैं, कभी बोरिवली स्लो है तो कभी चर्च गेट फास्ट, पर बॉम्बे बॉम्बे करके बुलाते हैं मुझे। ऐसा तो कुछ अलग नहीं था, वो तो उस दिन बॉम्बे से मुंबई हुआ ना, मेरी पहली सवारी थी तो सब ऐसे ही प्यार से बुलाने लग गए। लोग बोले कि ये हमको बॉम्बे से मुंबई ले जाएगी, तो बस पड़ गया। वो टाइम से लेकर अभी तक शहर बहुत बदला, पर इंसान नहीं। पहले भी धक्का ही मारता था, अभी भी वही, कंधों तक चढ़ जाते। खैर गर्दी तो पहले भी थी। हमारा शो हमेशा ऐसे हाउसफुल रहता है, बहुत जल्दीबाजी करते हैं यहाँ सब। मैं सोचती थी कि ये शहर की वजह से हम दौड़ते हैं या हमारी वजह से शहर, पर जो भी है हम तो नहीं रुके। लगभग 100 साल हो गया होगा हम लोग तब से हैं यहाँ पर। ये वेस्टर्न, सेंट्रल और अभी हार्बर, पूरा ऐसा परिवार फैला है, सब हमारे लोग। वेस्टर्न में अभी ये नए बच्चे लोग आए हैं, सेंट्रल और हार्बर साइड तो हमारे पुराने लोग हैं। हाँ अभी कैसा हमारा टाइमिंग ऐसा है ना, सबको मिलना तो नहीं हो पाता। ऐसा रूल्स बनाया है कि पहले इंसानों को घर पहुँचाओ, फिर अपने अपने घर जाओ। अभी मैं तो ये नए बच्चों से भी कम ही मिली हूँ, कभी कभी दिख जाते हैं, काफ़ी जोश में रहते हैं सब। मेरे को भी याद है पहली पहली सवारियाँ, अपने पनवेल से CST तक जाती थी रोज, तभी के दिन बहुत याद आते। वाशी साइड से निकलने में बहुत अच्छा लगता था, मुझे CST जाना बहुत पसंद था। सारे दोस्त लोग अक्सर वहीं मिलते थे, एकदम हमारा मैदान जैसा था वो। वहाँ अक्सर बाहर के शहरों से नई नई ट्रेन्स आती थी, उनको देख के हम लोग ऐसा सोचते थे कि इन्हें कहाँ कहाँ ले जाते होंगे। मेरा भी ऐसा बहुत मन है दूसरी कोई पटरियाँ, किसी अलग जगह पे चलने का, पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंद हैं। ये इंसान लोग ने हमारी तकदीर लिख रखी है, बिछा रखी है इसे पूरे शहर में, इधर उधर हमें उन्हीं पर चलना पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है ये शहर में इंसान जल्दी घर नहीं जा पाते, इंसान छोड़ो हम भी नहीं। अब किसी अजीज नहीं शाम घर लौटाना, मगर ये बात ज़रूरत को कौन समझे।